Hello everyone, myself CA CS Kamna Somani. I will be dealing first with the chapter of permutations and combination. First, हमको ये समझना है कि permutation and combination दोनों का मतलब क्या होता है. Permutation मतलब arrangement. Let's take an example. आपको A, B, C तीन लोगों को बोला है कि permutation करो. अब इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो. तो फर्स्ट अरेंजमेंट इज ए बी सी, सेकेंड अरेंजमेंट कैन बी ए सी बी, थर्ड अरेंजमेंट कैन बी बी ए सी, देन बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए. मतलब कितने अरेंजमेंट्स हुए, 1 2 3 4 5 6 अरेंजमेंट्स हुए. अब ये 6 अरेंजमेंट, चलो तीन लोग थे इसलिए इजीली हो गया विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. मगर इसकी जगह 5 लोग हो, 6 लोग हो, तो सबको अरेंज करके एक एक को देख नहीं सकते हो. तब आप लोगों को परम्यूटेशंस की फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी. दैट इज चैप्टर का आपको बेसिक सीखना पड़ेगा. अब यही चीज़ हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन. आपको सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट करना है मतलब आप लोगों को कितने लोग हैं उसमें से कितने लोगों को आपको सिलेक्ट करना है. अगर मैं बोलूं तीन लोग हैं ए बी सी, इसमें से मैं बोलूं दो ही लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे. इट कैन बी ए बी, ए बी का पैर हो सकता है, बी एंड सी का पैर हो सकता है, एंड ए एंड सी का पैर हो सकता है. यही हो सकता है ए बी, बी सी एंड ए सी. इधर क्या मैटर करता था, ए बी सी अगर ए सी बी भी बैठते हैं तो ये दोनों को हम अलग अलग काउंट करते हैं. पर कॉम्बिनेशन में ए बी एंड बी है एक ही होता है. सिलेक्शन में इन दोनों का ऑर्डर मैटर नहीं करता है. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है कि कौन इधर बैठा है, कौन बीच में बैठा है, कौन कॉर्नर पे बैठा है. सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. दोनों में यही फ़र्क है. परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है. अगर हम परम्यूटेशन का एग्जाम सो परम्यूटेशन की जो ये एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल को अगर मेरे को फॉर्मूला से लाना हो, ये 6 जो आंसर आया है, तो फॉर्मूला इस परम्यूटेशन की एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. अब ये एन पी आर, ये फॉर्मूला है परम्यूटेशन की. अब इसको कैसे सॉल्व करें, व्हाट इज दिस एन एंड व्हाट इज दिस आर. अगर मेरे लिए मैं बोलूँ कि ये सब में तीन लोग हैं, ठीक है, तो n हो गया मेरे लिए 3. मैं बोलूँ आपको तीन लोगों को ही बिठाना है तो मेरे लिए r भी हो गया 3. अब इसको मुझे सॉल्व करना है और मुझे ये 6 आंसर लेके आना है, तो इट कैन बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये फैक्टोरियल सिंबल क्या बता रहा है. फैक्टोरियल सिंबल ये बता रहा है कि आपको 3 से स्टार्ट करके बैक जाना है 1 तक. दैट इज 3 2 and 1, and नीचे 3 minus 3 will be 0 factorial and 0 factorial will be 1. So the answer is 6. ये 6 आंसर मैंने ऐसे ओरली किया था एंड विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऐसे सॉल्व होता है. सेम अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है n factorial upon n minus r factorial. r factorial is equal to n c r. ये डिनोट होता है P से और ये डिनोट होता है C से. अब आपको ये देखना है कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है. तो भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, खाली जो फ़र्क है वो R फैक्टोरियल का फ़र्क है. देखते आंसर, जैसे इसमें तीन लोगों में से हमको दो को सिलेक्ट करना था, तो इसके लिए N है आपका 3 इस सम के लिए, एंड R आपका कितने लोगों को सिलेक्ट करने का बोला मैंने, दो लोगों को. सो एन सी आर में अगर हम लिखेंगे तो इट विल बी 3 C2. अब इसको सॉल्व करना है आपको विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला. सो दिस विल बी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल दैट इज 3 माइनस 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल दैट इज r फैक्टोरियल. इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 2 1. 3 minus 2 इज 1 फैक्टोरियल, तो 1 ही होता है, एंड 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1. सब इसको हम सॉल्व करें तो इट इज़ लाइक
So the answer will be 3. So अगर आप इसको पूरे को सॉल्व करो तो आपका आंसर आया है 3. देखो 3 ही आंसर हो रहे थे. ये हमने बिना फॉर्मूला से किया था और ये हमने फॉर्मूला यूज़ करके किया है. सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में देखो इधर 6 आंसर इसीलिए आ रहा था क्योंकि इसमें राइट लेफ्ट मिडल में कौन बैठा है मैटर करता है और इसमें राइट लेफ्ट कौन बैठा है वो मैटर नहीं करता. इसमें कितनी लोग कितनी टाइप से आप पैर बना सकते हो सिलेक्ट कर सकते हो वही मैटर करता है. ये कॉम्बिनेशन का है एग्जाम्पल और ये परम्यूटेशन का एग्जाम्पल है. दिस इज ऑब्वियसली एन MCQ पैटर्न. सो इसमें आप लोगों को पूरी पूरी फॉर्मूला करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम लोग शॉर्टकट से भी सम कर सकते हैं. शॉर्टकट से मतलब अगर मैं वही एग्जांपल में आपको बोलूँ 3P2 करने का आपको कोई बोले व्हाट इज 3P2 तो ये आपको फॉर्मूला से नहीं करना हो टाइम बचाना हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो. क्या बोल रहा है आपको इन दोनों को देखना है 3 और 2 को. 3 बोल रहा है कि मेरे से स्टार्ट करो एंड आर बोल रहा है कि दो जगह पीछे जाओ. दैट इज़ 3 से स्टार्ट करो एंड दो जगह पीछे जाओ मतलब एक और जगह पीछे जाओ. 3 के पहले 2 आता है तो ये 2 जगह हो गई. अल्टीमेटली योर आंसर इज 6. तो ये आपने फॉर्मूला के बिना भी सॉल्व कर सकते हो. सेम इज़ द एग्जांपल विद आप देखो कॉम्बिनेशन में भी आप बिना फॉर्मूला के भी कर सकते हो. इट विल बी व्हाट 3 आपको बोल रहा है दो जगह पीछे जाओ तो जैसे हम परम्यूटेशन में करते हैं उतना तो करना ही है कॉम्बिनेशन में. एडिशनल क्या करना है जो R है उसको भी आपको 1 तक लेके जाना है. जैसे कि 2 है 2 के पहले 1 ही आएगा. सो आंसर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा द आंसर विल बी 3. सो ये हमने बिना फॉर्मूला यूज़ करके किया और एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसे ही करना है क्योंकि दिस इज़ नॉट अ थियोरी एग्जाम के जिसमें आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलने वाले. इसमें सिर्फ आप लोगों को ओवरऑल आंसर फाइनल जो है वो आना चाहिए. अब ये चैप्टर में हम लोग ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हैं एंड फॉर्मूला से भी कर सकते हैं बट ट्रायल एंड एरर आपका टाइम सेव करेगा. सो जो सम्स ट्रायल एंड एरर से पॉसिबल होंगे वो हम ट्रायल एंड एरर से करेंगे एंड जिसमें मैथड ज़्यादा ईजी है उसमें हम मैथड देखेंगे. ठीक है मैथड इज़ नथिंग बट दिस फॉर्मूला ही है जो फॉर्मूला से ही सम्स होंगे और जो शॉर्टकट्स है जो बाकी जो सम्स है वो हम जैसे जैसे सम्स आएंगे मैं आपको क्लियर करूँगी. दूसरी और चीज़ें देख लेते हैं छोटी छोटी. अब कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि पता कैसे चले एग्ज़ाम में कि परम्यूटेशन है कि कॉम्बिनेशन है क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं पर लिखा नहीं होगा कि ये परम्यूटेशन का सम है कि कॉम्बिनेशन का सम है. तब आप लोगों को कंसेप्ट काम आएगा. तब आप लोगों को ये चेक करना है कि ऑर्डर है कि नहीं है. क्वेश्चन में आपको खुद से पूछना है क्या ऑर्डर मैटर करेगा. अगर मैं देखूं प्राइस का क्वेश्चन है मैं बोलूं कि 10 लोग हैं उसमें से 2 लोगों को प्राइस देना है तो आप बोलोगे 10P2. क्यों मैंने P लिखा क्योंकि आप देखो तो प्राइस में ऑर्डर मैटर करता है. जब इस फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है सो ऑर्डर मैटर करता है कि किसको फर्स्ट दे रहे हो किसको सेकेंड दे रहे हो किसको थर्ड दे रहे हो. अब यही चीज़ मैं अगर बोलूँ कि ग्रुप बनाओ 10 में से 2 का. अब ग्रुप बनाने का बोला है उसमें आपको ऐसा नहीं बोला कि फर्स्ट कौन लेना है सेकंड कौन लेना है. आपको सिर्फ इतना बोला है 10 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है तो मैं सिंपल इधर सी का सिंबल लगा दूंगी. सो दिस इज हाउ यू विल गो विद द ग्रुप. अगर प्राइस है तो ऑर्डर मैटर करता है. ठीक है चलो सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज ट्रेन है मैं बोलूँ मेरे पास में 10 ट्रेन का ऑप्शन है और मुझे आना और जाना आना भी है और जाना भी है और मेरे को टोटल आना और जाना मतलब 2 मुझे ट्रैवलिंग करना है. 10 ट्रेन है और उसमें से 2 आना और जाना मतलब 2 बार मेरे को आना है और जाना है पर कंडीशन ये है कि जिस ट्रेन से जाती हूँ उस ट्रेन से वापस नहीं आऊँगी. अब इधर मैं सिंबल कौन सा लगाऊँ पी का लगाऊँ कि सी का लगाऊँ तो इधर मैं पी का लगाऊँगी क्योंकि ट्रेन में रेलवे स्टेशन में स्टेशन का ऑर्डर होता है. जैसे अहमदाबाद के बाद में बड़ौदा आएगा बड़ौदा के बाद सूरत आएगा ये ऑर्डर में ही आपको जाना पड़ेगा. आप सीधा अहमदाबाद से सूरत नहीं जा सकते हो तो आपको इस ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा. इसीलिए ट्रेन का जो क्वेश्चन है जैसे रेलवे स्टेशन का क्वेश्चन है उसमें भी आप लोगों को ऑर्डर में ही जाना पड़ेगा. सो ये है आपको रट्टा नहीं मार रहा है आपको लॉजिक से जाना है क्वेश्चंस में कि कहाँ पर परम्यूटेशन आएगा और कहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा. अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तब तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ कि इसमें क्यों हमने परम्यूटेशन यूज़ किया और क्यों कॉम्बिनेशन यूज़ किया है. सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको पूरे चैप्टर में याद रखनी है क्योंकि अगर आपको ट्रायल एंड एरर नहीं आता है तो बेसिक फॉर्मूला से सारे आंसर आ सकते हैं. सेकेंडली थोड़े बहुत आपको एक
और चीजें याद करा दो, जैसे कि अगर आपको कोई पूछे कि 0 factorial क्या होता है तो मैं बोलूंगी 1 होता है. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एमसीक्यू में आ सकती है. 0 factorial इज ऑलवेज 1. मैं बोलूंगी कि अगर मैं एन टी आर में, एन और आर के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन का मतलब है रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है, तो मैं ऐसा लिख रही हूँ कि एन कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज परम्यूटेशन का सम या कॉम्बिनेशन का सम गलत हो जाएगा. एन हमेशा आर से बड़ा ही होना चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं पर कभी एन आर से छोटा नहीं हो सकता. जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ कि क्या आप 6p2 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, एन आर से बड़ा है. क्या मैं 2p6 लिख सकती हूँ? नहीं, ये गलत है, 2p6 पॉसिबल नहीं है. एन हमेशा आर से बड़ा होना चाहिए. क्या ऐसा हो सकता है 7p7? हाँ ये भी पॉसिबल है, एन और आर दोनों सेम भी हो सकते हैं पर कभी भी ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए जैसे कि एन छोटा दिख रहा है और मुझे आर बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज ये सम ही गलत है, आपका क्वेश्चन ही गलत है. दैट इज जब भी आपको एन क्या लूँ और आर क्या लूँ उसमें कन्फ्यूजन है तो एक ही चीज़ याद रखना, एन हमेशा बड़ा होगा और आर उससे छोटा होगा. दैट इज एन पी आर में रिलेशन क्या है, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. अब हम एक एक सम स्टार्ट करेंगे और जैसे जैसे सम्स आएंगे आपको क्लैरिटी और ज़्यादा आएगी. ठीक है, सबसे पहले वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1. 0 factorial इज ऑलवेज 1. अगर आपको पूछूं मैं क्वेश्चन नंबर 2, अगेन थियरी है. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है एन पी आर में एन हमेशा कैसा होगा, एन पी आर में एन इज ऑलवेज. तो अब ये बताओ क्या मैं कभी एन ऐसा लिख सकती हूँ 3/2p2? क्या आपको कोई पूछे कि क्या मैं एन कभी -5p2 लिख सकती हूँ, पर क्या मैं कभी भी एन 9p2 लिख सकती हूँ? अब इसमें मैंने ऑप्शन आपको दिया है, इसका मतलब ऐसा होता है कि ये एन है ना वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब अपॉन में, पॉइंट में आएगा. ये कभी भी परम्यूटेशन में नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन होना नहीं चाहिए. दैट इज हमेशा एन कैसा होना चाहिए, एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए. ओके इधर मैंने क्या, इधर इंटीजर तो है देखो एग्जैक्ट 5 है बट मैंने माइनस की साइन लगाई है, क्या ये पॉसिबल है? तो ये भी गलत है. क्यों गलत है? क्योंकि एन हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. तो इसमें देखो इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. देखो 9 प्लस में भी है और 9 इंटीजर भी है, फ्रैक्शन नहीं है, तो कहना इसे ये राइट है, मतलब एन हमेशा इंटीजर होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए. दैट इज आपका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर. एग्जाम्पल से मैंने समझाया ऐसा भी नहीं होगा, मतलब फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, आपको इंटीजर ही लेना है, माइनस में अलाउड नहीं है, डेट इज आपको हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, इसीलिए आपको ये दोनों सेट हो रहा है, इसीलिए आंसर विल बी पॉजिटिव इंटीजर. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, अभी जो मैंने आपको थियोरी में समझाया एन पी आर में रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन पूछ रहे हैं वो लोग. वट इज़ द रेस्ट्रिक्शन? अब रेस्ट्रिक्शन अभी मैंने बताया, क्या एन कभी 2p2 हो सकता है? हाँ हो सकता है. क्या कभी एन 3p2 हो सकता है? हाँ ये भी पॉसिबल है. पर क्या एन कभी 2p3 हो सकता है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. ये चलेगा, ये भी चलेगा, इसका मतलब एन हमेशा आर से बड़ा होना चाहिए या दोनों सेम भी हो सकते हैं. दैट इज योर ऑप्शन इज आंसर बी, एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 सेज, ऐसा लिखा है उन्होंने एन पी आर इज इक्वल टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 डैश 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 एन माइनस आर प्लस 1. और पीछे लिख रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर क्या. अब नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब वो ऐसा ही पूछ रहे हैं, चलो ए ऑप्शन पहले लिख लेते हैं ताकि पता चले वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं.
इसमें n r माइनस वन n माइनस r और r ऑप्शन है. अब आपको पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर. अब नंबर ऑफ फैक्टर मतलब सिर्फ कंफ्यूजन में मत आओ. इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कौन बताता है? r बताता है. देखो ये जो इन्होंने लिखा है एन पी आर, चलो मैं बोलूँ 5p2, तो आप क्या बोलोगे 5 × 4. ये क्या हुए? ये नंबर ऑफ फैक्टर हुए. मतलब ये एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर. ये किसने बताया आपको? ये r ने बताया. तो ये जो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो आपने लिखा है पूरा n, n माइनस वन, n माइनस टू, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर कौन बताता है? तो नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा कौन बताता है? r हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर बताता है. मतलब कितनी जगह आपको पीछे जाना है. नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन बताता है? r. तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी. उसके बाद में आगे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. एनपीआर मतलब क्या? तो एनपीआर का मतलब एक ही होता है. क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. ये फॉर्मूला हमने जब भी अभी स्टार्ट किया तभी देख ली थी और इसका आंसर है डेट इज ऑप्शन ए. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है. अब इन्होंने आपको इसका आंसर पूछा है, व्हाट इज 11p3. अभी मैंने बताया 11 आपको कौन क्या बता रहा है? मुझसे स्टार्ट करो. 3 आपको बता रहा है मुझ पे स्टॉप हो जाओ. मुझ पे स्टॉप हो जाओ मतलब इतनी जगह पे स्टॉप हो जाओ. 3 पे स्टॉप नहीं होना है, 3 जगह पीछे जाना है. मैं स्टार्ट करूंगी 11 से, एक और जगह पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो कितनी जगह पीछे जाना है? 3 जगह पीछे जाना है. ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, और एक और जगह 3. दैट विल बी योर आंसर. और द आंसर विल बी, अगर आप कैल से यूज करो, दैट विल 990 एंड दैट इज बी ऑप्शन. आई थिंक द सम इज वेरी इजी, बेसिक है. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए. आपको सिर्फ इतना याद रखना है n और r एकदम सिंप्लीफाई वे में सॉल्व करना है. फॉर्मूला यूज नहीं करनी है. n से स्टार्ट करना है, 3 जगह पीछे जाना है. बच्चे इसको गलत इंटरप्रिटेशन में ले जाते हैं. n से स्टार्ट करना है, 3 तक जाना है. 3 तक नहीं जाना है हमको, 3 जगह पीछे जाना है और उससे आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. नाउ दे आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ 8p8. अब इसमें क्या करोगे आप बताओ? 8 से स्टार्ट करें, पीछे जा रहे हैं हम लोग. कितनी जगह हुई? 1, 2, 3, 4. कहाँ तक जाना है? 8 जगह जाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आ गया 1 तक आंसर. सो आपका, अगर आप कैलसी यूज करो तो उसका आंसर आप कैलसी पे देखना 40,320 आएगा. And that is your option number A. The right answer is option A. Let's move on to question number 8. 6p2 into 7p2. 6p2 into 7p2. इसका आंसर क्या होगा? Again, 6 से स्टार्ट करेंगे. कितनी जगह पीछे जाना है? 2 जगह. तो 1 जगह हो गई, ये दूसरी जगह. बीच में ऑलरेडी उन्होंने इनटू बोला है आपको, तो ये दूसरा इनटू तो ऑलरेडी है. फिर अब इसको देखना है आपको. 7 से स्टार्ट करो, कितनी जगह पीछे जाओ? 2 जगह पीछे जाओ. मतलब 7 × 6 हो गया. और इसका आंसर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आपका आंसर आएगा 1260. दैट इज ऑप्शन सी. आई गेस अभी तक तो हम बहुत इजी सम्स कर रहे हैं. अभी तो सिर्फ बेसिक्स ही, और बेसिक्स क्लियर हो ना तो आपको जब भी चैप्टर में आगे जितने भी सम्स आएंगे ना प्रॉब्लम नहीं होगी. ये सॉल्व करना आया ना, बाकी तो सिर्फ क्वेश्चन समझना हो. क्वेश्चन अगर इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाता है, तो फिर ये तो सिर्फ कैलसी का काम है. सेकेंड, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. अब वो आपको ये पूछ रहे हैं कि 14px2184. यहाँ से आपको थोड़ा सा कैलसी का यूज करना पड़ेगा. ए बी सी एंड डी ऑप्शन ले रहे हैं हम. 4
2, 3, and none. Yes. ये सम में हम फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे. प्रॉब्लम क्या है इस सम में? कुछ मिसिंग है, एक्स नहीं है हमारे पास में. अब जब तक एक्स नहीं आएगा आपको पता कैसे चलेगा कि ये आंसर कैसे आया? इसीलिए उन्होंने आपको हिंट दे दिया है कि आंसर तो हमने दे दिया है, आपको अब हमको आर बताना है कि ये आर कितना है ताकि हमको पता चले कि ये 2184 कैसे आया. चलो ये ऑप्शन हम इसके अंदर रखते हैं. अब हम ये जो मेथड यूज कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं ट्रायल एंड. ये कोई आपकी एग्जाम तो है नहीं जिसमें आपको मेथड के मार्क्स मिलने वाले हैं. इसमें तो आपको सिर्फ ए बी सी डी ऑप्शन का आंसर बताना है, मतलब क्या है सही आंसर. तो आपको तो क्या करना है, सिंपल आंसर लेना है और आपको क्वेश्चन में रखना है एंड फिर कैलसी से चेक करो ये कब आता है. चलो अगर मैं ए ऑप्शन लेती हूँ तो इट विल बी 14P4. अगर कैलसी यूज करो आप 14, 13, 12, 11, 2, 1, 8, 4 नहीं आएगा. मतलब ए ऑप्शन गलत है. ए ऑप्शन गलत है क्यों? क्योंकि अगर इसको कैलसी पे यूज करोगे सॉल्व तो ये आंसर नहीं आएगा. चलो बी ऑप्शन ट्राई करते हैं. क्या है 14P2 हो जाए अगर मैं एक्स की जगह 2 रखूँ तो? देखते हैं इससे आता है कि नहीं आता. अगर आप कैलसी यूज करो तो 14×13 करोगे ना तो भी आंसर नहीं आएगा. सी ऑप्शन लेते हैं 14P. अब क्या रख रही हूँ मैं 3. देखो 2184 आएगा. 14, 13, 12 एंड योर आंसर विल बी 2184 एंड सो आई कैन टेल ये ऑप्शन सी है ना वो सही आंसर है. हमको कोई मेथड नहीं करनी है, हमको सिंपल ऑप्शन यूज करना है और हमको ये आंसर लेके आना है. अब वो जिस ऑप्शन से आंसर आ रहा है ना दैट विल बी योर फाइनल आंसर. सो आई कैन से कि योर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 9. द आंसर विल बी ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 840 × x·7. अगेन अ न्यू सम. अगेन आपको कुछ मिसिंग दिख रहा है इसमें, x. अगेन मिसिंग है तो आप समझ जाओ कौन सी मेथड यूज करेंगे हम लोग, कौन सी, ट्रायल एंड एरर. तो अगेन हमको क्या लेने पड़ेंगे, ऑप्शंस लेने पड़ेंगे. ए ऑप्शन क्या दिया है उन लोगों ने, 4 दिया है. बी ऑप्शन क्या दिया है, 3 दिया है. सी ऑप्शन 2 दिया है एंड डी ऑप्शन नन दिया है. अभी आपको ये सॉल्व करना है एंड सॉल्व करके आपको ये बताना है कि इधर आप क्या रखोगे तो LHS और RHS दोनों क्या आएगा, सेम आएगा. पहले एक बार देख तो ले कि ये 7 फैक्टोरियल होता क्या है. तो कैलसी पे आप 7 से लेके 1 तक सॉल्व करोगे तो 7 से लेके 1 तक द आंसर विल बी 5040. मतलब 7 फैक्टोरियल का आंसर कितना होगा, 5040. अब मुझे LHS चेक करना है और मुझे 5040 ही लाना है. और जिस ऑप्शन से इधर रखने से 5040 आए वो ऑप्शन मेरा सही आंसर होगा. चलो ये ऑप्शन रखते हैं पहले इसकी जगह पे. ये ऑप्शन रखूँ तो इट विल बी 840 × 4 फैक्टोरियल. अभी 4 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, तो भाई × 24 और इधर 840 तो है ही और इधर क्या है 5040. अगर आप कैलसी यूज करोगे तो ये दोनों साइड सेम नहीं आएगी, मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर नहीं है. अब ए ऑप्शन नहीं है तो हम बी पे जाते हैं. बी ऑप्शन सॉल्व करके देखें तो बी ऑप्शन में 3 लिखा है. तो अगेन मैं लिखूंगी 840 × 3 फैक्टोरियल. देखते हैं इस सम से, मतलब इस स्टेप से आंसर आता है कि नहीं आता. चलो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 होता है. आगे 840 तो है ही, कैलसी यूज करो, इधर तो 5040 रेडी है
इधर 5040 आता है, आप आपका कैसे यूज करोगे, 840 इंटू 6 करोगे और आपका यहाँ 5040 दोनों साइड आ जाएगा. और अगर दोनों साइड सेम आ रही है, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. मतलब आई कैन टेल के क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बी आ गया है तो फिर सी को ट्राई करने की जरूरत नहीं है. बस आपको इतना याद रखना है कि ये 3 के साथ में कौन सा सिंबल है, फैक्टोरियल का सिंबल है, क्योंकि बच्चे ये भूल जाते हैं और सीधा 840 इंटू 3 करते हैं. 3 नहीं करना है, 3 फैक्टोरियल पहले सॉल्व करना है, उससे 6 आएगा, उस 6 को मल्टीप्लाई करना है, फिर देखना है कि दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 11 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 सेज एन पी आर अपॉन एन प्लस वन पी, सॉरी एन पी थ्री अपॉन एन प्लस वन पी थ्री इज इक्वल टू 3/4. अगेन आप बोलोगे मेथड करें, नहीं मेथड नहीं करनी है. देखो एन मिसिंग है, इस बार आर तो दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, एन मिसिंग है आपके पास में, क्या करें, मेथड नो, मेथड के मार्क्स मिलने वाले नहीं है. तो हम क्या ट्रायल एंड एरर करें, पहले ऑप्शन देख लें हम, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है. 11 दिया हुआ है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया है 9, सी ऑप्शन दिया है 6 एंड डी ऑप्शन दिया है 9. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. इसको हम सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो तुरंत फटाफट आ जाए. चलो एन इधर भी मिसिंग है, इधर भी मिसिंग है, पहले ए ऑप्शन रखे एन की जगह पे, तो क्या हो जाएगा बताओ. 11p3, नीचे भी 11 रखना पड़ेगा ना इधर एन में, तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा p3. और आपको अब ये स्टेप से 3/4 लाना है, और अगर 3/4 आ जाता है दैट मीन्स ए इटसेल्फ इज द करेक्ट आंसर. देखें चलो 11p3 सॉल्व करते हैं, 11 10 9 और नीचे क्या हो जाएगा 12 11 10, हो गया 3 जगह पीछे, ऊपर भी 3 जगह पीछे, नीचे भी 3 जगह पीछे, क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास में, 9/12 बचा. देखो 3/4 हो रहा है, हाँ हो रहा है, 3 3 9, 3 4 12, आ गया 3/4. देखो हमको यही लाना था, मतलब ए इज द राइट आंसर. तो आपको बी और सी ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ए ही है. सो क्वेश्चन नंबर 11 द राइट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 12 अगेन, नाउ द क्वेश्चन सेज 12 इनटू np3 इज इक्वल टू 5 इनटू एन प्लस 2p3. अगेन क्या करें, इसमें एन मिसिंग है. आप बोलोगे हाँ सबसे इजी मेथड कौन सी है, ट्रायल एंड एरर, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन. 12 नंबर में ए ऑप्शन 4 है, 7 है, सी ऑप्शन 6 है एंड डी ऑप्शन नन है. चलो ट्राई करते हैं एक एक, पहले ए ऑप्शन रखेंगे एन में, इधर भी रखना है आपको, इधर भी रखना है, दोनों साइड रखना है एंड आपका LHS और RHS सेम आना चाहिए. चलो सबसे पहले ए ऑप्शन रखते हैं हम लोग, तो इट विल बी 12 इंटू ए ऑप्शन में क्या है, 4 है, तो 4p3 और RHS में क्या लिखना पड़ेगा, 5 इंटू एन प्लस 2, मतलब 4 प्लस 2 इट विल बी 6p3. अब आपको कैसे यूज करना है और देखना है, ये 4p3 मतलब क्या हो जाएगा, 4 3 2 हो जाएगा और इधर 5 इंटू 6p3 क्या होगा, 6 5 4. चेक करो दोनों साइड सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैलसी से यूज करके, एंड आई गेस आपका कैलसी आपको बोलेगा कि ये दोनों साइड सेम नहीं आ रही है और इसीलिए ए इज द रॉन्ग आंसर. इधर हमने 4 रखा था तो इधर 4 प्लस 2 लिया, 6 हो गया. अब हम जाते हैं बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, 6 लो, चलो इधर 6 रखते हैं, 6p3 हो जाएगा,
यही क्वेश्चन में आपको सिक्स रखना है. अब ये सिक्स क्वेश्चन में ये आपको बता रहा है. अब रखो फाइव इंटू सेवन पी थ्री, तो इधर हो जाएगा सेवन प्लस टू नाइन पी थ्री. सेवन इधर भी रखना है, सेवन इधर भी रखना है, तो सेवन पी थ्री एंड सेवन प्लस टू नाइन पी थ्री. सो इट विल बी ट्वेल्व इंटू सेवन सिक्स फाइव. हो गया तीन जगह सेवन पी थ्री एंड इधर फाइव इंटू नाइन एट सेवन. अब आप कैलसी पे सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपका कैलसी आपको दोनों साइड पे आंसर सही बताएगा. मतलब इधर देखो आप कैलसी पे सॉल्व करोगे और उधर भी आप देखोगे कैलसी पे सॉल्व करोगे तो आपका एलएचएस और आरएचएस सेम आएगा एंड योर आंसर विल बी द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन. सो बी ऑप्शन आपका एकदम सही है. क्या सी चेक करूँ? नहीं, सी चेक करना नहीं, हमारे पास टाइम नहीं होता एग्जाम में. कन्फर्म है सेवन आंसर है. बट याद रखना सिली मिस्टेक ना हो, कैलसी प्रॉपरली यूज़ करना क्योंकि आधे बच्चे कैलसी में मिस्टेक करते हैं. सो कैलकुलेटर आप लोगों को अच्छे से यूज़ करना है ताकि ऐसे एटलीस्ट ट्रायल एंड एरर में ना कैलकुलेटर ही काम आता है. उसमें अगर आपने भूल की तो आपका आंसर गलत हो सकता है. अगर टाइम बचाना है तो ये मेथड यूज़ करो, बेस्ट है. बट कैलकुलेटर इजीली और अच्छे से और एकदम स्मार्ट वे में यूज़ करना. क्वेश्चन नंबर थर्टीन, एन पी फाइव इज इक्वल टू 240. ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 14, डी ऑप्शन 9. अब ये क्वेश्चन में अगेन आपको क्या मिसिंग दिख रहा है? एन मिसिंग दिख रहा है. क्या मेथड यूज करें? नहीं, हम ट्रायल एंड एरर ही यूज करेंगे. सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लेंगे? ए ऑप्शन. चलो 10p5 रखते हैं. 10p5 ए ऑप्शन रखा है हमने. 10p5 देखते 240 कैलसी पे आता है कि नहीं. अगर आप कैलसी पे यूज करोगे तो क्या करोगे? 10 करोगे, 9 करोगे, 8 करोगे, 7, 6 हो गए पांच जगह. 1 2 3 4 5 चेक करो और आप जब चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये आंसर नहीं आ रहा है. 240 नहीं आ रहा है, मतलब ए इज द रॉन्ग आंसर. चलो बी. अब यार थोड़ा सा आप लॉजिक भी लगाओगे ना तो बी ऑप्शन आप ट्राई नहीं करोगे. कैसे? अगर ए से नहीं आया है, 10 से स्टार्ट करके नहीं आया है तो आपको पता है 9 आएगा. अब 9 से स्टार्ट करके आप पीछे जाओ, ऑटोमेटिकली ये नहीं बताएगा क्योंकि 10 से स्टार्ट करके करा है तो नहीं आ रहा है, तो 9 से स्टार्ट करके कैसे आएगा? स्टिल अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो. 9p5 9 8 7 6 एंड 5 हो गए पांच जगह. चेक कर लेना कैलसी, ये आंसर नहीं बताएगा आपका कैलकुलेटर, ये आंसर नहीं बताएगा. अब हमारे पास बचता है सी ऑप्शन, और अगर सी नहीं होगा तो हमारे पास सी ऑप्शन दैट इज नॉट. 14p5 कैलसी स्टार्ट करो. 14 13 12 11 एंड 10 कैलसी पे सॉल्व करोगे और जैसे ही आप ये स्टेप करोगे ना आपका कैलसी आपको 240 अमाउंट बताएगा एंड दैट इज 240 ही चाहिए था हम लोगों को. दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर एंड दैट इज 14 इज द राइट आंसर. और डी ऑप्शन आपको अब देखना ही नहीं है. ए ट्राई किया नहीं आया, वैसे तो बी आपको ट्राई करना ही नहीं चाहिए, फिर भी हमने ट्राई किया है और फिर सीधा हम सी पे गए और सी से हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, फोर इंटू एन पी थ्री इज इक्वल टू 5 × (n-1)p3 है. (n-1)p3 ऑप्शन पहले लिख लेते हैं. 14 15 12 none. यस, अब आपने ट्रायल एंड एरर तो बहुत यूज किया. एक सम हम मेथड से करते हैं. अगर यही केस में अगर आपको ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, कुछ लोगों को ऐसा है कि ट्रायल एंड एरर नहीं करना है, हमको तो मेथड करनी है.
चलो मेथड से करके बताते एक सम, पर एग्जाम में तो आपको ट्रायल एंड एरर ही यूज करना है क्योंकि वो ज़्यादा इजीली आपसे हो जाएगा. स्टिल एक क्वेश्चन हम मेथड से करके देखते हैं. चलो इसको हम सॉल्व करते हैं. ये क्या है, 4 × NP3. NP3 का मतलब क्या है, N से स्टार्ट करो, 3 जगह पीछे जाओ. तो 3 जगह कैसे पीछे जाएंगे, पहले हम लिखेंगे N, फिर हम लिखेंगे N-1. हम एक एक जगह कम करते जाते हैं ना. अगर हम 5P3 करते हैं तो क्या करते हैं, 5, फिर लिखते हैं 4, फिर लिखते हैं 3, मतलब हम एक एक माइनस करते जाते हैं. सो आप N से स्टार्ट करो तो N से एक कम तो N-1 हो जाएगा, लिखोगे N-2, क्यों, तीसरा क्या हो जाता है, N में से आप 2 कम करते हो. सो दिस इज हाउ NP3 हम ऐसे लिखते हैं मेथड में, N, N-1, N-2. ये हमारा LHS हुआ. ये जो हमने सॉल्व किया ये क्या है हमारा LHS. अब हम RHS सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 5 × N-1P3 लिखा है उन लोगों ने. अब इधर ही आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपको इधर से स्टार्ट करना है. कहाँ से स्टार्ट करना है, N-1 से स्टार्ट करना है. तो हम ऐसा लिखेंगे, सबसे पहले N-1, अब पीछे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, N-2 लिखेंगे. जैसे जैसे पीछे जाओगे ना, माइनस क्या होगा, बढ़ता जाएगा. N-1, N-2, N-, कितनी जगह पीछे जाने के लिए बोला था उन लोगों ने आपको, 3 जगह. 3 जगह हो गई ना, ये 1 जगह, ये 2 जगह, ये 3 जगह. N-1 से स्टार्ट करो, 3 जगह पीछे जाओ, ये 3 जगह पीछे चले गए हम लोग. इधर भी ऐसा ही बोला था, N से स्टार्ट करो, 3 जगह पीछे जाओ, 1, 2, 3. अब हम लोग इन दोनों को LHS और RHS को क्या करेंगे, सामने सामने रखेंगे. 4 N, N-1, N-2 ये हो गया. सामने क्या रख देंगे, ये रख देंगे 5 N-1, N-2, and N-3. चलो सॉल्व करते हैं हम इसको. कुछ हो रहा है कैंसिल, अगर आपको देखो तो ये देखो सामने सामने ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. दूसरा कुछ, हाँ ये भी हो रहा है कैंसिल. अच्छा है, इजी हो गया. कैंसिल जितना हो उतना सम इजी हो जाता है. अब ये क्या बचा, 4N बचा, और इधर क्या बचा, 5N-3 बचा. 4N इज इक्वल टू 5N-15. अब क्या करें, N एक साइड ले जाते हैं, नंबर एक साइड ले लेते हैं. सो ये 15 को हम इधर ले लेते हैं तो ये प्लस 15 हो जाएगा, और इधर हम लिखेंगे 5N-4N. 5N-4N क्या हो जाएगा, N, और N आपका आंसर क्या आ गया, 15. ये हमने मेथड से सॉल्व किया, हमने कोई ट्रायल एंड एरर यूज़ नहीं किया है. हमने पहले इसको सॉल्व किया LHS को, फिर RHS को सॉल्व किया, फिर दोनों को हमने क्या किया, सामने सामने, और उससे हमारा आंसर आया N = 15. देख लो, द बी इज द राइट आंसर. दिस इज हाउ वी सॉल्व इट बाय मेथड. बट ये मेथड में आपका टाइम वेस्ट होगा. सो प्रेफर, आपको प्रेफर किसको करना है, आपको ट्रायल एंड एरर को प्रेफर करना है एग्जाम. वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 15. बोलो, अगेन N मिसिंग है, आप क्या बोलोगे, ट्रायल एंड एरर बेटर रहेगा. चलो तो ऑप्शन लिख ले पहले, -1, 6 and 5. एंड डी तो हमारा ऑप्शन फिक्स होता है मोस्टली, दैट इज नॉन. क्या इसको रखूँ मैं N में, तो आप बोलोगे हाँ ये प्लस में होता ना, तो प्लस में होता तो भी नहीं रख सकते क्योंकि ये R है ना, बड़ा है. R और N में क्या रिलेशन है, N हमेशा R से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. और ये सेकेंडली माइनस में है, तो ये कभी पॉसिबल होगा ही नहीं. कभी भी N क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए. एंड सेकेंडली N हमेशा R से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए. ओके, तो ये ऑप्शन तो हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया. हम तो सीधा अब क्या ट्राई करेंगे, बी ऑप्शन. चलो बी ऑप्शन हम ट्राई कर रहे हैं, और बी में क्या लिखा है उन्होंने, 6 लिखा है. इधर 6 रखते हैं, इधर भी 6 रखते हैं. 6P4, 12 × 6P2. दोनों साइड आपको रखना है, इधर भी 6 रखना है, इधर भी 6 रखना है. इसको सॉल्व करें,
6 5 4 4 तक नहीं जाना है, 4 जगह पीछे जाना है, 1 2 3 4 12 into 6 into 5, इधर कितनी जगह बोला था उन्होंने, 2 जगह, ये है ना r आपको जगह बता रहा है, सो दिस इज नॉट 2 तक नहीं जाना है आपको, 2 जगह पीछे जाना है। चलो कुछ कैंसिल हो रहा है सामने सामने, ये देखो ये 6 6 कैंसिल हो गया, ये 5 5 भी कैंसिल हो गया, और एक और आप देखो तो इधर ये 6 p 2 था और इधर एक 12 ऑलरेडी था, और बच्चे इसको भूल जाते हैं, 12 आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने दिया है तो उसको आप मल्टीप्लिकेशन में भूल मत जाना, और इधर आपका है 6 6 p 4 6 5 4 3 एंड इधर 12 इधर है, इधर कुछ नहीं है, तो इधर तो आपको सिंपल यही करना है 12 6, अब देखो तो एल एच एस आर एच एस सेम आ रहा है आपका, 4 3 सा क्या होता है 12 एंड 12 आपको इधर दिख रहा है, आ गया एल एच एस आर एच एस सेम, तो दिस इज द राइट आंसर एंड आई कैन से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, आपको सी ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं, ए तो हमने ऐसे ही कैंसिल कर दिया था, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी ऑप्शन। अगेन एन पी थ्री अपॉन एन पी टू इज इक्वल टू 3/1, देखो ये सब में आप मेथड भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर तो आपको आता ही है एन कैसे ढूंढते हैं, पर इसमें मेथड भी बहुत ईजी है, सिंपल न्यूमरेटर में क्या बोल रहे हैं, एन पी थ्री मतलब 3 जगह पीछे जाओ, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एन से, फिर एन माइनस वन, फिर एन माइनस टू, कितनी जगह हो गई, 3 जगह हो गई, नीचे क्या बोल रहे हैं, एन से स्टार्ट करो 2 जगह पीछे जाओ, तो ये एन है और दूसरा है एन माइनस वन, हो गई 2 जगह, और इधर तो आपके पास है ही 3/1। चलो अब देखते हैं कैंसिल हो रहा है, देखो ये देखो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ एन माइनस टू बचा, एन इज इक्वल टू 3/1, तो हम कंसिडर करते ही नहीं कि 3/1 इज ऑलवेज 3, देखो एन इज इक्वल टू 3+2 दैट इज एन इज इक्वल टू, ये रहा आपका आंसर एंड योर आंसर इज ऑप्शन सी, मेथड से किया है, ट्रायल एंड एरर बिना यूज करके भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 एंड आई गेस दिस इज द लास्ट सम दैट इज ऑफ ट्रायल एंड एरर, इसके बाद आपको थोड़ा सा पढ़ के समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, अभी तक हमने जितने भी सम्स किए ना सब में आपको ये सब बना के दिया था, ये एन पी थ्री बना के दिया था, इधर ये एन पी फोर बना के दिया था, अब आपको खुद बनाना पड़ेगा, अब ये लोग कुछ आपको मदद नहीं करने वाले, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपको पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 इज द लास्ट सम ऑफ ट्रायल एंड एरर, और ये सम उन्होंने बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है आपको, मैं अगर देखूँ तो 5 PR अगेन क्या मिसिंग है, आर मिसिंग, तो आप क्या करोगे, ट्रायल एंड एरर ही करोगे, ए ऑप्शन क्या है 3, बी ऑप्शन क्या है 2, सी ऑप्शन क्या है 4, सो पहले आप, और डी तो हमारा फिक्स होता है मोस्टली दैट इज 9। अगर हम ट्राई करें तो अगर 5P3 तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन ही ट्राई करते हैं, चलो 5P3 देखते हैं 60 आता है कि नहीं आता, आप बोलोगे 5P3 का मतलब होता है 5 4 3, यस, और आंसर 60 आ रहा है, 5 4 20 एंड 20 × 3 = 60, सो 5P3 मतलब ए ऑप्शन रखते से ही आंसर आ गया, सो माय आंसर इज ए, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपको बी और सी पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 में अब यहाँ से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, एंड क्वेश्चन समझना मतलब आप लोगों को रीड करना है धीरे धीरे। द क्वेश्चन सेज इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 5 persons कैन सिट, आपका ध्यान होना चाहिए इस वर्ड पे, सिट मतलब आपको अरेंज करने का बोलते हैं ना, बिठाने का बोल रहे हैं, अरेंजमेंट। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज 5 persons कैन सिट इन 7 chairs, और एक वर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में है दैट इज अरेंज्ड, अरेंज्ड इन 1 row, एक रो में आपके पास 5 persons है ऐसा लिखा है और 7 chair है, बस इतना बोला है, और उनको बोला है आपको सिट मतलब उनको बिठाना है, बिठाना मतलब अरेंजमेंट, इसमें से एन क्या लेंगे आर क्या लेंगे हम लोग,
एन हमेशा बड़ा होना चाहिए, आर हमेशा छोटा होना चाहिए, तो ये तो हमारा एन बन जाएगा, ये हमारा आर बन जाएगा। सेकेंडली अभी एन और आर के बीच में हम पी लगाए कि सी लगाए, देखो अरेंजमेंट है ना, सिटिंग लिखा है, सिटिंग मतलब अरेंजमेंट, तो कौन बीच में बैठता है, कौन कॉर्नर पर बैठता है, वो मैटर करता है। तो हम इधर बीच में सिंबल कौन सा लगाएंगे, पी का लगाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं बोला है, ये अपने आप आपको डिसाइड करना है कि पी यूज करें कि सी यूज करें। सो इस क्वेश्चन में मैं क्या लिखूंगी, एन पी आर मतलब 7P5 एंड 7P5 मतलब 7, 6, 5, 4, 3। इसको आपको ऐसे पे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन, दैट इज 2520 इज द राइट आंसर। सात लोगों को, सात चेयर को, सात चेयर है और पांच लोग हैं, इनको अरेंज करना है, ऑब्वियसली दो चेयर खाली रहेगी, ठीक है, तो सात चेयर है हमारे पास, पांच लोग हैं। सो ये है हमारा सिंपल सम जिसमें आपको डिसाइड करना था कि अरेंजमेंट है कि कॉम्बिनेशन है। ऐसे धीरे धीरे आपके पास सम में ऐसे ट्विस्ट आएंगे जिसमें आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि परम्यूटेशन यूज करेंगे कॉम्बिनेशन। नंबर 19 है, टू प्राइजेज आर टू बी, देखो प्राइस का क्वेश्चन आ रहा है, मैं इधर लिख रही हूँ पहले से प्राइस है, मैंने आपको आगे भी एग्जांपल दिया था, प्राइस है ना, मतलब आपको थोड़ा तो क्लिक हो जाना चाहिए, क्या आएगा, परम्यूटेशन आएगा, क्योंकि प्राइस में ऑर्डर होता है। सो टू प्राइजेज आर टू बी गिवन अमॉन्ग 10 persons, दो प्राइज है एंड 10 persons है, ऐसा लिखा है। टू प्राइजेज आर टू बी गिवन अमॉन्ग 10 persons, इफ बोथ द प्राइजेज आर नॉट टू बी गिवन टू 1 person, आपको बोला है दोनों प्राइज एक ही इंसान को नहीं देना है, इन हाउ मेनी वेज द प्राइज कैन बी गिवन, बस एक चीज बता दी है, दो प्राइज है, 10 persons है, वो तो क्लियर है, खाली इसमें एक चीज क्लियर की है उन्होंने कि दोनों इनाम एक ही इंसान को जाने नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, परम्यूटेशन करोगे इसमें, क्योंकि प्राइज है ना, तो मैंने आपको पहले से ही बोला था परम्यूटेशन आना चाहिए क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है। तो मैं इधर एन किसको लूं, तो एन मेरा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और आर मेरा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दो प्राइज है, 10 लोग हैं, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी, एन पी आर 10P2 10 × 9 क्या हो जाएगा 90, सो द आंसर इज 90। अब आधे लोग बोलते हैं मैम ये हमको याद ना आए, तो हम लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ हम लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, लॉजिक से थोड़ा सा सोचोगे तो आप ऐसा बोल रहे हो ना कि सेम प्राइस, सेम इंसान को दोनों प्राइस नहीं जाने जाने चाहिए, तो आप पहला बोलोगे 10 में से पहला प्राइस किसी एक को दे देते, फर्स्ट प्राइस दे दिया हमने, 10 में से किसी एक को दे दिया, अब जिसको वो प्राइस मिल गया है ना उसको मैं बोलूंगी भाई तू जा, तेरे को दूसरा प्राइस नहीं मिलने वाला है, तो जब मैं सेकंड प्राइस डिक्लेयर करूंगी ना दूसरा इनाम, तब मेरे पास कितने लोग बच जाएंगे, जिसको मिल चुका है वो तो चला जाएगा ना, तो सेकंड प्राइस डिक्लेयर करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं 9 में से किसी एक को दे सकती हूँ, सो पहला प्राइस 10 में से किसी एक को, दूसरा प्राइस 9 में से किसी एक को, क्योंकि इधर क्लियरली बोला था कि जिसको पहला प्राइस मिल चुका है उसको दूसरा प्राइस नहीं मिलना चाहिए, तो 10 में से किसी एक को पहला, और बाद में एक इंसान कम हो जाएगा, और दूसरा प्राइस 9 में से किसी एक को, तो अगेन योर आंसर इज 90। देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, ये मैंने मेथड यूज किया है, ये मैंने लॉजिक से सॉल्व किया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसमें सेम है, पूरा क्वेश्चन आप 19 और 20 का पढ़ोगे ना तो आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, खाली एक लाइन का जो डिफरेंस है, दैट इज इफ बोथ द प्राइजेस कैन बी गिवन टू 1 person। अब वो बोल रहे हैं क्या दोनों इनाम एक ही इंसान को भी दे सकते हैं, इसमें ना बोला था, और 20 में बोल रहे हैं कि दोनों इनाम आप एक ही इंसान को दे सकते हो, इंसान तो भाई हमारे पास कितने हैं 10 ही है, सेम 19 जैसा ही है, और आर हमारा क्या है 2 कितना है हमारे पास में प्राइस है। ये आपने थोड़ा सा कंसेप्ट शायद प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी पढ़ा होगा, दैट इज विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर मैं बोलूँ दोनों इनाम एक ही बंदे को जा सकते हैं, सो फॉर्मूला हमारी हो जाएगी विद रिपीटेशन जैसा हो जाएगा, विद रिपीटेशन है, विद रिपीटेशन मतलब दोनों इनाम सेम इंसान को जा सकते हैं, तो विद रिपीटेशन की फॉर्मूला है एन रेस टू आर, एन रेस टू आर है,
फिक्स है हमारा एन और आर तो फिक्स है, पर इधर एन रेस टू आर मतलब इधर क्या हो जाएगा, टेन के ऊपर टू आएगा, दैट इज टेन स्क्वायर हो जाएगा एंड योर आंसर विल बी 100. अगर मैं बोलूँ यार यहाँ पर आपने क्या किया 20 में एन पी आर यूज़ क्यों नहीं किया, तो भाई ये विद रिपीटेशन है और एन पी आर का मतलब होता है विदाउट रिपीटेशन, मतलब एक जन को जो चीज़ दे दी दूसरे को वो चीज़ नहीं देनी है. इधर तो दोनों जो प्राइस है वो सेम इंसान को जा सकते हैं, तो इधर 10 के ऊपर 2 आएगा. अच्छा लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, मुझे ये फॉर्मूला याद नहीं आ रही है. लॉजिक से सॉल्व करना है तो लॉजिक से कैसे सॉल्व करोगे, तो आप बोलोगे यार पहला इनाम मैं 10 में से किसी एक को दूंगा, तो फिक्स है पहला तो 10 में से किसी एक को जाने वाला है फर्स्ट प्राइस 10P1. दूसरा इनाम इसमें क्या बोल रहे, सेम इंसान को दे सकते हो, तो मैं उसको बोलूँ तू चला जा तेरे को मिल गया है, नहीं मैं उसको बोलूँगी तू जा मत तू बैठ, क्या पता दूसरा इनाम तुझे ही मिल जाए. तो अगेन मेरे लिए जो दूसरा प्राइस है उसके लिए कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, 10 ही रहेंगे, और वो दूसरा प्राइस कितने लोगों को जाएगा, 10 में से किसी एक को जाएगा. सो दिस इज सेकेंड प्राइस के लिए क्या होगा 10P1. सो 10P1 इधर फर्स्ट प्राइस के लिए और सेकेंड प्राइस के लिए भी 10P1. इधर क्या था 10P1 पहले प्राइस के लिए और सेकेंड प्राइस के लिए 9P1, क्योंकि इसको बोला था तू चला जा तेरे को दोबारा नहीं मिलेगा, दैट इज विदाउट रिपीटेशन, एंड दिस इज विद रिपीटेशन क्योंकि इसको बोला तू बैठ क्या पता दूसरा इनाम तुझे ही मिल जाए. तो 10 tens are 100. सो नाउ आई कैन टेल के 19 में ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड 20 में ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 19 और 20 ऑलमोस्ट सेम है. अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना तो आप भूल कर सकते हो, इसमें मना किया था कि सेम इंसान को दोनों नहीं देने हैं और इसमें क्लियरली बोला है कि आप एक इंसान को दोनों भी दे सकते हो. सो इधर कम हो जाएगा पर इधर कम नहीं होगा.